हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मर्मल्स के बारे में। हमने आपको बताया था कि कार्डिक साइकिल के इवेंट के दौरान जो भी हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली चार टाइप्स के होते हैं, और हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है। हार्ट साउंड फर्स्ट, हार्ट साउंड टू, हार्ट साउंड थ्री, हार्ट साउंड फोर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड्स बेसिकली क्लोजर ऑफ वॉल्व्स की साउंड की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं क्लोजिंग की वजह से, उसकी वजह से ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड एवी वॉल्व क्लोज होने की वजह से होता है। सेकेंड हार्ट साउंड सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होने की वजह से होता है। थर्ड हार्ट साउंड्स जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल में रैपिड फिलिंग फेज के टाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रश ऑफ ब्लड की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो एट्रियल सिस्टोल के टाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही लो इसका साउंड होता है और बहुत 25% या 20% के अराउंड जो है फिलिंग रह जाती है वेंट्रिकल्स की, वो उस समय होती है, और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन आते हैं जिसकी वजह से फोर्थ होता है। फर्स्ट और सेकेंड साउंड को ऑस्कल्टेट किया जा सकता है ईजिली, और थर्ड एंड फोर्थ साउंड में यूजली ऑस्कल्टेशन से सुनाई नहीं देते हैं, ठीक है, नॉर्मली। इनके कंपैरिजन में जब हम मर्मल्स की बात करते हैं तो मर्मल्स जो है वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं जो कि कार्डिक साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। इनकी जो मैकेनिज्म है बेसिकली डिपेंड करती है ब्लड फ्लो के तरीके पे और ब्लड फ्लो के डायरेक्शन पे। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो जो है जब ज़्यादा नॉइजी होता है तो मर्मल्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ब्लड फ्लो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए तो उस वजह से मर्मल्स प्रोड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो में वेस्कुलर सिस्टम में जब हम देखते हैं तो हम दो तरीके का फ्लो देखते हैं, पहला होता है लेमिनार फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो होता है कि किसी भी वेसल में एक लाइन से साइलेंट तरीके से बहने वाला फ्लूइड, और टर्बुलेंट फ्लो होता है कि जब किसी बड़े वॉल्यूम के एरिया से ब्लड या कोई भी फ्लूड अंदर किसी वेसल में आता है तो वो रशी नॉइज़ करता है, और उसका जो नेचर होता है वो टर्बुलेंट होता है, वो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसके पास के टिश्यूज़ में। और ये वाइब्रेशंस किस तरह से सुनाई देते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो ये मर्मर्स की तरह सुनाई देते हैं। कॉजेज ऑफ मर्मर की बात करें तो इसका पहला कारण आता है वेस्क्यूलर स्टिनोसिस, कि ऐसा क्यों हो सकता है। स्टिनोसिस मतलब नैरोइंग, स्टिनोसिस मतलब नैरोइंग, नैरोइंग मतलब किसी का अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो जाना, ठीक है। नैरोइंग ऑफ एनी ऑफ द कार्डिक वाल्व, किसी भी कार्डिक वाल्व का अपने प्रॉपर आकार से छोटा हो जाना, जब ऑरिफेस जो है वाल्व के नैरो हो जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं स्टिनोसिस। ब्लड फ्लोज थ्रू इट इज़ बिकम एसिलरेटेड एंड टर्बुलेंट, तो जब कोई भी फ्लूड अपने से छोटे जैसे उस जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसका ऑरिफेस ना होते हुए अगर वो कम हो जाए तो निकलने वाले ब्लड में या फ्लूड में रश होता है और वो टर्बुलेंट फ्लो करता है, दिस इज़ वेस्कुलर स्टिनोसिस। दूसरा आता है वेल्व्यूलर इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी यानी वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, वेल्व्यूलर यानी वाल्व्स, ठीक है, चाहे वो एवी वाल्व हो चाहे वो सेमिल्यूनर वाल्व हो। व्हेन अ वाल्व इज इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट यानी जब वो अपना काम प्रॉपर करने में समर्थ नहीं है, ब्लड फ्लोज थ्रू इट बैकवर्ड, दिस इज़ नोन एज रिगर्जिटेशन। सो यूजली सपोज ये एक वॉल्व है और इसके एक तरफ एओर्टा समझ लीजिए, और यहाँ पे समझ लीजिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अगर किसी कंडीशन में ये प्रॉपरली क्लोज ना हो, क्योंकि इसको हो जाना चाहिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद, किस स्टेज में, प्रोटा डायस्टोल फेज में, और ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाए तो इसकी वजह से कुछ ब्लड का पार्ट जो है वो वापस एओर्टा से या किसी दूसरी वेसल से, पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें या फिर हम लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में एवी वॉल्व्स की बात करें, तो या तो ब्लड का बैक फ्लो अंदर की तरफ पीछे की तरफ होगा वापस, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन यानी पीछे की तरफ जाना, अगेन थ्रू अ नैरो ऑरिफिस,
और जो उसका ऑरिफेस है वो एक नैरो पार्ट में आ गया है. सो दिस कॉज एसिलेरेट्स द फ्लो. तो जितना जो फ्लो है वो टर्बुलेंट नेचर में जाएगा. थर्ड आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये एक कंजेनाइटल यानी पैतृक डिसीज होता है. इसमें क्या होता है, देर इज़ अ होल इन वेंट्रिकुलर सेप्टम. वेंट्रिकल जैसे सपोज ये हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो इस दोनों में सेप्टल है, सेप्टल इसमें अगर कोई भी डिफेक्ट है या कोई होल है तो इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. इसकी वजह से भी सिस्टोलिक मर्मर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तो इस होल के थ्रू कुछ ब्लड जो है वो दूसरे पार्ट में जा सकता है. नेक्स्ट आता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ये क्या कंडीशन है, इट्स अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ अ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एओर्टा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंजेनाइटल डिसीज़ है. इसके अंदर जो एओर्टा होती है, एओर्टा से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा. कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा का मतलब होता है कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा. यानी जितना उसका डायमीटर होना चाहिए कोई भी कंजेनाइटल म्यूटेशन डिफेक्ट की वजह से वो उतना वाइड नहीं है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं नैरोइंग ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा. तो उसके लिए उतने लेवल के ब्लड को होल्ड कर पाना काफ़ी कम मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो एओर्टा में टर्बुलेंट हो जाता है और इसकी वजह से मर्मर प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट आता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. जिस तरह से वेंट्रिकल का सेप्टल डिफेक्ट है उसी तरह से एट्रिया, ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, इसके बीच में जो सेप्टल है देयर इज़ अ होल इन द इंट्रा एट्रियल सेप्टल. तो इसकी वजह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक लेफ्ट एट्रिया से ब्लड की मिक्सिंग जो है वो थोड़ा सा ब्लड जो है वो राइट एट्रिया में चला जाएगा, जिसकी वजह से भी सॉफ्ट मर्मर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एट्रिया का जो प्रेशर होता है वो कम होता है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में. इसकी वजह से वेंट्रिकल्स में जो सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके मर्मर्स ज़्यादा लाउड होते हैं कंपैरेटिवली एट्रिया के. तो ये कुछ कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ मर्मर्स में डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ अपेयरेंस, किस टाइम पे अपेयर हो रहे हैं इसके हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया है. कुछ जो मर्मर्स होते हैं वो सिस्टोलिक मर्मर कहलाते हैं, ये सिस्टोल के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं. कुछ डायस्टोलिक मर्मर होते हैं जो डायस्टोल के टाइम प्रोड्यूस होते हैं. कुछ मर्मर होते हैं कंटिन्यूस मर्मर जो कि प्रोड्यूस होते हैं कंटिन्यूसली थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल. इनके साइट और एबनॉर्मेलिटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ मर्मर को वापस से क्लासीफाई किया कि इनकी साइट क्या है. तो ये आप अच्छे से लर्न कर लें, इस पर पूरी तरह से MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व ये इसकी साइट है. तो इसमें इस समय क्या किस टाइप की एबनॉर्मेलिटी देखी जा सकती है, या तो स्टिनोसिस देखा जा सकता है या रिगर्जिटेशन देखा जा सकता है. स्टिनोसिस यानी नैरोइंग और रिगर्जिटेशन यानी बैकफ्लो. यूजुअली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर मूव होना चाहिए वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ, लेकिन सपोज एओर्टा से वेंट्रिकल की तरफ कुछ ब्लड रिगर्जिटेट हो रहा है तो दिस इज़ नोन एज रिगर्जिटेशन. तो टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी स्टिनोसिस हो सकती है, रिगर्जिटेशन हो सकती है. स्टिनोसिस जो देखा जाता है वो बेसिकली सिस्टोलिक टाइप का मर्मर होता है जो कि सिस्टोल के टाइम प्रोड्यूस होता है. रिगर्जिटेशन जो होता है वो बेसिकली डायस्टोलिक मर्मर होता है, डायस्टोल के टाइम पे देखा जा सकता है. ठीक है, दूसरा आता है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व. अगर इसकी साइट ये है तो भी स्टिनोसिस और रिगर्जिटेशन दोनों टाइप की एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, लेकिन इसमें जो स्टिनोसिस है वो डायस्टोलिक फेज में होगा और रिगर्जिटेशन जो है वो सिस्टोलिक मर्मर होगा. जब हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करते हैं तो ये कंजेनाइटल होल होता है साइट ऑफ एबनॉर्मेलिटी और ये सिस्टोलिक मर्मर होता है. ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स की वजह से उस होल से कुछ ब्लड जो है वो दूसरे साइड में चला जाता है. नेक्स्ट इज एओर्टा. कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सिस्टोलिक मर्मर होता है.
पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट होता है, बेसिकली कंटिन्यूस होता है, जिसमें aorta का पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड मिक्स होता है। ब्लड में बात करें अगर, तो ये बेसिकली साइट जो है ब्लड अगर है तो टाइप एनीमिया और इस तरीके के जो मर्मर्स हैं वो सिस्टूल में मिलेंगे, क्योंकि एनीमिया के टाइम में ब्लड की जो विस्कोसिटी है यूजुअली उसकी उससे कम हो जाती है, और इसकी वजह से टर्बुलेंस फ्लो होता है जो कि सिस्टोल के टाइम देखा जा सकता है। इन सारे अप्लाइड एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में अपने आने वाले चैप्टर्स में लेंगे, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। स्टिनोसिस, रिगर्जिटेशन, सेप्टल डिफेक्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसके ऊपर मैं अपने फुल लेक्चर्स जो है आने वाले चैप्टर्स में लूँगी। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।